हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलूका। यस, आज फिर से एक बार हम लोग अपनी कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपने नेक्स्ट क्लास में देखा था कि हम लोगों ने अशोक की अर्ली लाइफ पर डिस्कशन किया था। बट आज यानी टुडेज जो हमारा टॉपिक है वो अशोका द ग्रेट पर ही बेस्ड है, और इस टॉपिक का नाम है अशोकास धमा। तो एक हेडिंग हम लोग डालेंगे, अशोकास धमा। अशोकास धमा, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। You know that Ashoka was the greatest ruler from the ancient Indian history. स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में अगर कोई किंग इंडिया का जूलियस सीजर और अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ खड़े होने की पावर रखता है तो वो है अशोका द ग्रेट। और मिडाइवल के एक किंग हैं अकबर द ग्रेट। तो आज का टॉपिक है अशोकास धमा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नोट करेंगे, देन आफ्टर दिस वी आर जस्ट गोइंग फॉर द डिस्कशन अबाउट द अशोकास धमा। अपनी क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी, मतलब पूरी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पर मैंने डिस्कस किया था कि क्या रीजन था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, कि एक जो किंग है वो धमा को प्रमोट कर रहा है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया कि जो कलिंगा वॉर है उसमें कैसे अशोका द ग्रेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया था, टर्मिनेट हो गया था। आगे शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहली चीज जाननी है कि व्हाट इज धमा। मतलब धमा जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, तो धमा का जो सेंस होता है वो होता है धर्मा। और ये जो वर्ड है वो संस्कृत लैंग्वेज से टेक ओवर किया गया है। धमा जो वर्ड है वो संस्कृत का धर्मा वर्ड है एक्चुअली में, और धर्मा जो है वो संस्कृत लैंग्वेज से टेक ओवर किया गया है, लिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अशोका ने अपने धमा के उपदेश में या जो उसने ये अप्रोच दिया था ये क्या है। इट्स ओनली वन अ मोरल एंड सोशल कंडक्ट। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज धमा, देन यू कैन से दैट इट वाज द ओनली वन अ सोशल एंड मोरल कंडक्ट। सोशल एंड मोरल कंडक्ट, अगर वन लाइनर क्वेश्चन कभी आपके सामने आए कि प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द धमा इन शॉर्टली, देन यू कैन से दैट इट्स द ओनली वन सोशल एंड मोरल कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द अशोका द ग्रेट। मतलब क्या है कि जो अशोका का धमा है, इट्स नॉट अ बौद्धिज्म, इट्स नॉट अ ब्राह्मणिज्म,
ये ना तो बौद्ध रिलीजन पर कंप्लीटली बेस्ड है, ये ना तो कंप्लीटली ब्रह्मनिज्म पर बेस्ड है, बिकॉज ऑफ अपनी अर्ली लाइफ में अशोका द ग्रेट जो है वो शिव जी के भक्त थे, लॉर्ड शिवा के फॉलोअर हुआ करते थे, एंड कलिंगा वार के बाद उन्होंने बौद्ध रिलीजन को एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने धमाका मैसेज दिया था। तो अगर इस पर देख रहे हैं, इस पर जो क्वेश्चन ऑप्शनल का क्रिएट होता है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट वाज द धमा, ठीक है, क्या कहता है, व्हाट वाज द धमा, धमा क्या था, इसे डिस्क्राइब करिए। दूसरा जो क्वेश्चन इस पर मेक ओवर होता है वो ये होता है कि धमा के पीछे बिहाइंड द रीजन अशोक का क्या था, ये आप डिस्क्राइब करिए, या इसका पूरा पूरा इवैल्यूएशन जो है वो आपसे पूछा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज एक टॉपिक हम लोगों ने टेक ओवर किया है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से, अशोकास धमा, और हम देखेंगे कि एक टॉपिक पर कैसे जो है क्वेश्चन मेक ओवर किए जाते हैं। होता क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था, ये दरअसल टॉपिक तो वही है, मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो कहाँ चेंज होता है, हाँ उसकी रेलेवेंसी बदलती रहती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टॉपिक तो एक ही है, बट होता क्या है कि इस पर जो क्वेश्चंस के डायफ्राम होते हैं वो, उसके डायमेंशन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इस टॉपिक में एक टॉपिक को सबसे पहले हम लोग थारली पढ़ेंगे, काफ़ी हद तक जो है गहराई तक जाकर इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को समझा जाए, क्योंकि देखिए जब तक कि कोई टॉपिक आप समझ नहीं लेंगे उस पर कोई टेक्निक लगाया नहीं जा सकता। तो पहले हमारा जो फोकस होगा वो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, तो जाहिर सी बात है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ लीजिए कि क्वेश्चंस किसी भी डायमेंशन से मेक ओवर हों, आप बहुत ही ईजली और स्माइल करते हुए जो है उस क्वेश्चन का आंसर लिखें। मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है आंसर राइटिंग जो स्किल होती है उस पर भी डिस्कस कराऊंगा कि कैसे हम आंसर लिखते हैं, कैसे इफ़ेक्टिव आंसर होते हैं। और सचमुच में अगर एक लाइन में मैं अपनी बात कहूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अगर आपको अंदाज पता हो लिखने का, आंसर राइटिंग का, अगर वे ऑफ द राइटिंग मालूम हो, आप अगर गुड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप जो है आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वाई नॉट जो है आप क्यों नहीं, आपको नंबर जो है अच्छे मिलेंगे। तो इस पर सारी चीज़ों पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले अशोकास धमा, और जस्ट लाइक अ स्टोरी फॉर्मेट वी आर गोइंग टू द डिस्कशन ऑन अशोकास धमा जस्ट लाइक अ स्टोरी फॉर्मेट, एक कहानी की तरह से। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें कोई माइंड लगाने वाली चीज़ नहीं है, आप दिमाग मत लगाइए इसमें, बस एक कहानी की तरह इसको सुनते हैं और रेडी करते हैं, फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो धमा वर्ड है, धमा वर्ड वॉज टेकन बाई अशोका इन संस्कृत लैंग्वेज, वर्ड धर्मा, यानी जो धर्मा वर्ड है यही धमा है, मतलब धमा के हैं और धर्मा के हैं, दिस आर द सिमिलर वर्ड्स, करेक्ट। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इस लाइन को नोट कर लेंगे, प्लीज नोट इट इमीडिएटली, कि जो धमा है ये वर्ड, इसको हम धर्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दैट वर्ड वॉज टेकन बाई अशोका द ग्रेट इन संस्कृत लैंग्वेज, द वर्ड धर्मा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने कोरोनेशन के 13 ईयर्स बाद जब अशोका का राज्याभिषेक हुआ, जब अशोका का कोरोनेशन हुआ, उसके 13 ईयर्स बाद अशोक ने अपने धमा का जो मैसेज है उसको इंस्क्रिप्ट कराना शुरू कर दिया। समझ में आ गई ये चीज़? एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अशोक ने धमा का जो मैसेज है वो कब पोस्ट करना शुरू किया, कब इसका इंस्क्रिप्शन शुरू हुआ, कब इसके अभिलेख जो है वो मेकओवर किए जाने लगे। तो आफ्टर 13 ईयर्स
हिज कोरोनेशन। नोट कर लेंगे इस चीज को, ये चीज ऑफकोर्स आपने लिखा होगा, और कोशिश ये करनी है कि अपने शब्दों में अगर आप चीजों को लिखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं ये भी नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं आप डायरेक्टली उस चीज को नोट कर लीजिए, एज इट इज नोट कर लीजिए, नहीं है। दिस आर द माई, मतलब ये कह रहा हूं कि दिस इज माई नोट्स, दिस इज माई वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन। यूपीएससी को आपका जो है वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो अपने शब्दों में इसको अगर आप लिखोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। यही प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स को कॉपी करते हैं और वही नोट्स जाकर मेंस में लिख के चले आते हैं। अगर क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन हिस्ट्री का कहाँ देखा जाए, तो बस थोड़ा सा एंगल चेंज किया जाता है, टॉपिक वही होता है और आपने वही लिख दिया, तो एक एग्जामिनर के पास अगर 100 जो है कॉपीज आती हैं और उसमें सिमिलरिटी पाई जाती है तो क्या होता है, फिर जो है एक एवरेज मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो लिखा बिल्कुल वैसी था जैसे कि लिखा दिया गया था, आपने लिखाया था। मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने मेरे नोट्स उतार दिए मेंस में जाकर, तो वैसे तो सैकड़ों बच्चों ने लिखा होगा, तो फिर क्या होगा, फिर एक कॉपी जो है वो मार्क्स होगी और एक एवरेज मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने शब्दों में जो है आप ढालने की कोशिश करिए, लिखने की जो कला है, आर्ट ऑफ द स्किल है, वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं बता रहा था कि आफ्टर हिज कोरोनेशन, 13 इयर्स की बात में कर रहा था, यानी अपने कोरोनेशन के 13 इयर्स बाद। अपने कोरोनेशन के 13 इयर्स आफ्टर अशोका ने अपने धमाके जो मैसेजेस थे उनका इंस्क्रिप्शन कराना शुरू कर दिया, है ना, क्लियर हो गई चीजें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि अशोका द ग्रेट ने अगर देखा जाए, तो जो हमारा एक ब्राह्मणिज्म जो कल्चर है, जो ब्राह्मण कल्चर है, और बुद्धिज्म में धमा के दो मीनिंग्स है, टू मीनिंग्स है, देयर वेयर द टू मीनिंग्स ऑफ द धर्मा और धमा इन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। अगर हम ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, के वट इज द मीनिंग्स ऑफ द धम्मा इन ब्राह्मणिज्म एंड बौद्धिज्म, करेक्ट। तो अगर ब्राह्मणिज्म में धम्मा के मीनिंग को आप देखेंगे, तो ये जो है एक तरह का सोशल रूल्स होता है, क्या है, सोशल रूल्स। देयर वेर द टू मीनिंग्स ऑफ द धमा इन ब्राह्मणिज्म एंड बौद्धिज्म। इन ब्राह्मणिज्म द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द धमा इज सोशल रूल्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको ब्राह्मणिज्म में धमा कहा गया है। सोशल जो रूल्स होते हैं इन ब्राह्मणिज्म, वी कॉल्ड सोशल रूल्स वी कॉल्ड धमा, यानी ब्राह्मणिज्म में जो सामाजिक रूल्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं, उसको हम धमा के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बौद्धिज्म की बात करते हैं, तो बौद्धिज्म में ये जो है, क्या कहते हैं बौद्धिज्म में, अगर हम बुद्धिज्म में देखते हैं, और प्लीज राइट इट, अगर आप चाहें तो इसको लिखेंगे, अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं
तो बुद्धिज्म में धम्मा का जो मतलब है वो है टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. क्या है? टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. टीचिंग्स टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. चूंकि अभी हम लोग केवल और केवल ओनली वन जो है टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है उसका नंबर बाद में आता है, क्योंकि मेरा तरीका ये है, वे ऑफ द स्टाइल ये है कि सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि टॉपिक को समझा जाए और टॉपिक को हर डायमेंशन, क्योंकि इस टॉपिक पर ना मल्टी क्वेश्चन जो है वो आस्क होते हैं यूपीएससी के द्वारा, जैसे कि व्हाट इज धमा, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है. फिर ये पूछा जाता है कि जो है अशोका के क्या हिडन टारगेट्स थे बिहाइंड द धमा, है ना, प्लीज़ डिस्क्राइब द टारगेट्स ऑफ द अशोका बिहाइंड द धमा, यानी क्या अशोका की एक क्लेवरनेस थी धमा, इसको डिस्क्राइब करिए. क्या जैसा कि डॉक्टर रोमिला थापर ने ये बात कहा है कि अशोका वॉज द वेरी क्लेवर किंग ऑफ हिज टाइम, बहुत ही चालाक आदमी था वो. उसने धर्म का आड़ लेकर, धमा का आड़ लेकर जो है उसने जनता को मैनिपुलेट किया था. मतलब इट्स अ ब्लेम ऑन अशोका, ये अशोका पर एक ब्लेम है डॉक्टर रोमिला थापर का, ठीक है. उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैसे, हाउ कैन यू डिफाइन इट, कि अशोकास धमा वॉज द ओनली वन अ मोरल एंड सोशल कंडक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मोरल और सोशल कंडक्ट था, हाउ कैन यू डिफाइन इट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप. एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो रियली में अशोका था वो अपने जो पीपल्स थे उनका वेलफेयर चाहता था, मतलब धमा वॉज ओनली वन वेलफेयरिज्म फ्रॉम द अशोका इन हिज टाइम, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक वेलफेयरिज्म था, हाउ कैन यू डिफाइन इट. मतलब देख रहे हैं, मतलब वन टॉपिक एंड मेनी क्वेश्चंस. तो मैं बच्चों से यही कहता हूं कि देखिए साहब, इधर उधर भागने से अच्छा है कि आप पहले टॉपिक को कायदे से ब्रीफ में जाकर अच्छे से रेडी करिए, उस पर जो है एनालिसिस करिए, उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है तब जाकर आप क्वेश्चन देखिए. यकीन मानिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे. और करना भी तो यही है, हमें मतलब इधर उधर करने की क्या ज़रूरत है, जब लगभग नियर अबाउट जो है 90% क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से आपके क्लियर हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं भागना. और मैंने एक चीज़ और भी आपसे बोली थी कि अगर 60% जो है हिस्ट्री ऑप्शनल के एरियाज को अगर हम कवर कर जाएं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ 60% ऐसे एरियाज हैं जिसको हमें पढ़ लेने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाता है. और यकीन मानिए हम ज़्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, कुछ मेरा तो मानना है कि अधिकांशतया ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजिली टेक ओवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट. तो हमने एक्सप्लेन किया कि जो धमा वर्ड है इसके क्या मीनिंग्स हैं ब्राह्मणिज्म में, मतलब इट्स अ सोशल रूल्स, और बुद्धिज्म में इसे टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा के नाम से जाना जाता है. वी कैन, है ना, वी नो दैट इन बुद्धिज्म इट वॉज टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे इसको, प्लीज और राइट इट. अब यहां पर जो मेन थिंग्स ये है कि यू कैन आस्क मी कि सर इन ब्राह्मणिज्म इट वॉज द सोशल रूल्स, इन बौद्धिज्म इट वॉज द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. सर प्लीज टेल अस, इन अशोकास वे, मतलब अशोका के अकॉर्डिंगली धमा क्या था, वॉट वॉज धमा इन अशोकास ओन वेज, अशोका के अकॉर्डिंगली धमा क्या था, वॉज द धमा रिलेटेड टू द ब्राह्मणिज्म, वॉज द धमा
रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, सर हाउ कैन यू डिफाइन? देखा आपने, मतलब ये है ना यार कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है। मैंने कहा ना कि यूपीएससी के क्वेश्चंस जो है वो आस्क करने का एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड जो है डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के डेप्थ के ऊपर, आपकी एनालिसिस कितनी ज्यादा डेप्थ रखती है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आपको ओनली वन क्वेश्चन की फ्रेमिंग मैं करा देता हूं कि नहीं नहीं दिस इज द क्वेश्चन, आप फ्रेमिंग कर लो इसकी, ये कंप्लीट हो गया, दिस इज कंप्लीट, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ द स्टडी। सबसे पहले टॉपिक के थीम को समझना जरूरी है। आप देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन जो है रेज हो रहा है कि सर यू आर टेलिंग, आप कह रहे हो कि यू आर सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मनिज्म, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म कि हाउ इट वॉज, बट सर व्हाट वाज अशोकास वे, अशोका का क्या यहां पे मीन था, अशोका क्या, अशोका ने धमा डाला या धमा शुरू किया तो उसका क्या मीन था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट मीन ऑफ द अशोका। मतलब दिस क्लास इज द डिसेक्शन क्लास, मतलब मैं इस क्लास में यकीन मानिए आपने मल्टी टाइम धमा पढ़ा होगा, यू रीड द धमा इन मल्टी टाइम्स अगेन एंड अगेन, आई नो, बट मैं चाहता हूं कि यहां पर ये देखिए कि क्वेश्चन रेज कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। अब आपने तो फ्रेमिंग पढ़ लिया कि ये फ्रेमिंग पढ़ा दी गई, इसकी फ्रेमिंग हो गई, फॉर्म बता दिया गया कि व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ द अशोकास धमा, व्हाट वाज अशोकास धमा, इसके जो है धमा के पीछे बिहाइंड द रीजन क्या था, क्या अशोका क्लेवर किंग था, ये तो फ्रेमिंग लिखा दिया आपने, देख लिया आपने, राइट कर लिया आपने, लिख लिया एवरीथिंग, बट आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहां से रेज हो रहा है। क्वेश्चन अगर यहां से बन जाए तो कि अशोका क्या, अशोका के क्या चाहता था, उसके क्या वेज थे, उसका वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन क्या था, क्या अशोकास धमा बुद्धिज्म पर बेस्ड है, क्या ये ब्रह्मनिज्म पर बेस्ड है, क्या ये अशोका का अपना वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन था, ये उसके ओन थॉट्स थे, तो इसको प्रूफ करना है आपको। तो इसका आंसर ये होगा, और पीटी हो या मेंस हो या ऑप्शनल हो, देखिए हिस्ट्री का सीन ये है कि अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज के लिए और ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना, थोड़े बहुत चेंजिंग के साथ हम इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ आपसे पहले ही कह दिया कि हिस्ट्री को हमेशा एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ना चाहिए, हर सब्जेक्ट का अपना एक सोल पॉइंट होता है, और हिस्ट्री का सोल पॉइंट ये है कि हिस्ट्री एक स्टोरी है और इसको हमें स्टोरी फॉर्मेट में ही रीड करना चाहिए, ये इसको क्रैक करने का एक तरीका है। लेकिन फर्क है, जो दोनों के बीच डिफरेंस है स्टोरी एंड हिस्ट्री के बीच, वो ये है कि भाई स्टोरी का कोई बेस नहीं होता है और हिस्ट्री का अपना एक बेस होता है, ये प्रूफ पर बेस्ड होता है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू टू, अगर आप इस पर डिस्कस करते हैं कि वॉज द अशोकास धमा बुद्धिज्म, वॉज द अशोकास धमा ब्रह्मनिज्म, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अशोकास धमा वॉज नॉट अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन बुद्धिज्म एंड अशोकास धमा वॉज नॉट अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रह्मनिज्म, मतलब ये दोनों नहीं है, ना तो वो बुद्धिज्म पर बेस्ड है और ना तो ब्रह्मनिज्म पर बेस्ड है, तो था क्या, तो इट वॉज ओनली वन सोशल कंडक्ट एंड सोशल नॉर्म्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक जो सोशल जो इंसिडेंट्स होते हैं उसी पर बेस्ड है, जस्ट लाइक दे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर गुरुज, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, क्या है ये जनरल वे पर,
अशोका का जो धमा है वो ना तो कंप्लीटली बौद्धिज्म बेस्ड है, ना तो कंप्लीटली ब्रह्मनिज्म बेस्ड है, इट वॉज अ ओनली वन सोशल एंड जनरल नॉर्म्स, जो हमारी सोसाइटी में जनरल इंसिडेंट्स होते हैं, जो हमारे जनरल सोशल बिहेवियर होते हैं, जैसा कि चाइल्डहुड टाइम से ही हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं के बोलते हैं सन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स टू, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट टू एवरीवन। हमारे जो पेरेंट्स हैं बचपन से हमें चाइल्डहुड टाइम से हमें ये चीजें लर्न कराई जाती, करेक्ट। तो अशोका का जो धमा है वो ना तो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बौद्धिज्म एंड इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन ब्रह्मनिज्म एंड जैनिज्म इटीसी, इट वॉज बेस्ड ऑन जनरल सोशल कंडक्ट एंड सोशल नॉर्म्स। मतलब ये बिल्कुल जनरल जो लॉज हैं जो हमारे चाइल्डहुड टाइम से हमारी सोसाइटी में देखे जाते हैं, जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में है, वो सारी चीजों पर अशोका का जो धम्मा है वो बेस्ड है। कंप्लीटेड, ये हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अब इस पर कैसे क्वेश्चन को ब्रीफ करेंगे, कैसे क्वेश्चन को राइट करेंगे, इस पर तो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, मैं आपको लिखवाऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन हम लिखेंगे इस पर, ठीक है। पहले पहले टॉपिक को समझना जरूरी है, इसको लिख लेंगे कि मैटेरियल एंड सोशल कंडक्ट, हम ये भी लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या लिख लेंगे? मैटेरियल एंड सोशल कंडक्ट। भौतिक और सामाजिक विचारधारा पर आधारित है ना, मैटेरियल एंड सोशल कंडक्ट, भौतिक और सामाजिक विचारधारा पर आधारित। ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको कई बार हिंट किया है कि जो हमारी सोसाइटी में हमारे जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड टाइम से ही हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बताते हैं या हमारी सोसाइटी हमें टीच करती है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स, आप इस तरह की चीजें चाइल्डहुड टाइम से आप देखते हो। अशोका का जो धम्मा है वो यही है, एज इट इज है। क्या होता है कि भाई जैसे कि हमने ये चीज अक्सर जो है हम सुनते रहते हैं कि भाई आप जो है एक्स्ट्रा जो मनी है आप इसको स्पेंड मत करिए, मतलब नॉट स्पेंडिंग, ठीक है, नॉट स्पेंडिंग मनी, मतलब अगर आप यूज नहीं है, इसके यूसेस नहीं है तो आप मनी को स्पेंड मत करिए, ठीक है। आप जो क्रुएल्टी है वो नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं ना कि मतलब ये सब कुछ जो हमारी सोसाइटी में है, वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, हमें जो है जो पशु हैं उन्हें उनकी किलिंग नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है, या फिर हमें ट्रू स्पीक करना है, सत्य बोलना है, ये सब कुछ जो एक नॉर्मल जो है सोशल कंडक्ट है, बस वही तो धमा है। लेकिन ये है कि चूंकि इस पर क्वेश्चन रेज होते हैं और अलग अलग तरह के जो है अप्रोचेज हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं, तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप नोट कर लीजिए कि ये मटेरियल एंड सोशल कंडक्ट, ठीक है, एक वर्ड और मैंने यहाँ पे ऐड किया है, मटेरियल, ठीक है, और सोशल कंडक्ट, अशोका के धमा के बारे में एक लाइन का ये आंसर होगा इस पर। तो ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।